Good morning, dear students. Now, today you will learn a new chapter, syntax, part 1. इसके पहले आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लगभग 21 वीडियो में पढ़ा. आज आपके लिए नया चैप्टर है सिंटैक्स. क्लास 12 के लिए तो ये ग्रामर में लास्ट चैप्टर है. जो बच्चे हमारे क्लास 12 के हैं उनके लिए लास्ट चैप्टर है, लेकिन जो 11th वाले हैं उनके लिए अभी एक दो चैप्टर हैं ग्रामर में, उसको आगे बताया जाएगा और उसमें वीडियो में वह क्लास 11 ही लिखा जाएगा. यह सिंटैक्स जो है 12th के लिए जो है लास्ट चैप्टर है. तो इस तरह से आज हम सिंटैक्स बारे में पढ़ेंगे. महान शिक्षाविद J.S. आर्मर के अनुसार अरेंजमेंट ऑफ करेक्ट वर्ड्स इन ऑर्डर इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. अर्थात वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं. कौन से वर्ड्स कहाँ पे आर्टिकल, कहाँ पे नाउन प्रोनाउन, किस तरह से वाक्यों में हम उनका प्रयोग उनके उचित स्थान पे करते हैं उसी को सिंटैक्स कहते हैं. एग्जाम में जो है मिस्टेक दिया रहेगा, आपको करेक्ट ऑर्डर में करके उस सेंटेंस को लिखना होगा. अब इसमें कई रूल हैं, तो सबसे पहले हम रूल फर्स्ट देखते हैं. इसका मैं हिंदी में भी परिभाषा लिखा दे रहा हूं, आपके लिए आसान रहेगा. वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं. ये देखिए, अब इसके रूल्स बताते हुए इसको जो है सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इसका पहला रूल है, फर्स्ट इसका लेते हैं पहला एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इन सिंटैक्स अब सिंटैक्स में हम एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्रयोग किस तरह करेंगे वह देखिए. पहले आप ये समझिए कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होता है. देखिए, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब से तात्पर्य
तापर सब्जेक्ट के पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर तथा नंबर के अनुसार इस सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन सिंटैक्स। तो एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब से तात्पर्य है सब्जेक्ट के पर्सन। जैसे कि आप लोगों को पता है पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, अस, माय, माइन, आवर्स, ये आप लोगों को पिछली क्लासों में बताया गया है। तो फर्स्ट पर्सन में पर्सन कितने होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, मी, वी, अस, आवर, माइन, यह होते हैं। और जबकि सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, ये तीन होते हैं सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, देम, देयर्स, इट, ये आपके जो है थर्ड पर्सन हुए। तो सेंटेंस में हम वर्ब जो है वर्ब का प्रयोग वह पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन, उसके हिसाब से करेंगे। और नंबर के हिसाब से, नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो सेंटेंस में जब भी हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया है, टोटल इंग्लिश में जो है 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब तो जो है इन्फिनेट है, असंख्य हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वह आपके 24 हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, यूज्ड टू, ऑट टू, यह इस प्रकार से ये 24 हैं। तो हम सेंटेंस में पर्सन और नंबर के हिसाब से ही वर्बों का प्रयोग करते हैं, क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं एग्जांपल लिखाता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, राम इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। राम इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब देखिए इसमें जो नंबर है वो सिंगुलर नंबर है, राम, राम एक वचन है, जबकि जो है इसके हिसाब से राम जो है ये थर्ड पर्सन भी है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट में है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण, सिंगुलर नंबर होने के कारण यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वह इज का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ऐसे होता
जैसे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। आर रीडिंग राम एंड श्याम आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब देखिए नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से जब हम वर्ब का यूज करते हैं उसे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब कहते हैं। अब देखिए इसमें नंबर दो है, प्लूरल नंबर है। देखिए प्लूरल बहुवचन, राम और श्याम दो लोग हैं तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग किए, जबकि यहां पर सिंगुलर नंबर होने के कारण इज का प्रयोग किया गया है। तो राम इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, लेकिन यहां पे प्लूरल होने के कारण राम एंड श्याम, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तो राम एंड श्याम आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर। कुछ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आप देख लीजिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और ये आपके हुए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और आपका जो है प्लूरल है, हैज सिंगुलर ये प्लूरल। उसी प्रकार डू जो डस जो है वह सिंगुलर, जबकि डू जो है प्लूरल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इज का जो है प्लूरल आर, हैज का प्लूरल जो है और डस का प्लूरल जो होता है वह डू होता है। तो इन तरह से इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो है आपके प्लूरल नंबर्स प्लूरल जो है वर्ब्स हैं। इस का आर, हैज का है और डस का डू, यह जो है आपके हेल्पिंग वर्ब्स में प्लूरल हैं और सिंगुलर हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका रूल नंबर वन, एग्रीमेंट का जो है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का रूल फर्स्ट। फर्स्ट यह है आपका एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन सिंटैक्स। सिंटैक्स में एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, रूल वन, रूल वन एंड से जुड़े दो एंड से जुड़े या दो से अधिक से अधिक
सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एंड से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वे एंड से जुड़े हैं, उसमें जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। देखेंगे यहां पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता और दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है गीता, और ये दोनों जुड़े हैं कंजंक्शन एंड से। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, उसमें जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह प्लूरल होगा। जैसे कि बताया गया कि इज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, जबकि आर जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे हम अगर ये करते सीता एंड गीता इज फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाता सेंटेंस। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड्स जुड़े होते हैं तो उसमें हम प्लूरल, देखिए उसमें रूल में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आर का प्रयोग किया गया है। समझ आ रहा है? देखिए इस तरह से, अब मोहन, सोहन एंड रोहन, सेकंड मोहन, सोहन एंड रमेश, हैव गॉन टू द मार्केट, हैव गॉन टू द मार्केट। देखिए मोहन, सोहन एंड रमेश, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं मोहन, सोहन एंड रमेश। ये देखिए तीनों जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हैं वह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, हैव का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है का प्रयोग किया जाता है, जबकि ही, शी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, तो यह आपका आई भले ही सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हैव का ही प्रयोग होता है, और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसे हम करते हैं मोहन, सोहन एंड रमेश हैज गॉन टू द मार्केट, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। कि जहां अगर हैज करते तो वह गलत होता, क्योंकि रूल में दिया गया है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड्स जुड़े हों तो वहां हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, और हैव आपका जो है प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहां पर हैव का प्रयोग किया गया है। ये दोनों सेंटेंस को देख लीजिए, एग्जाम में जब भी आएगा ऐसे दिया रहेगा सीता एंड गीता इज फ्रेंड्स, तो आपको करेक्ट करके लिखना होगा
सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। फिर ऐसा भी सेंटेंस दे सकते हैं, मोहन सोहन एंड रमेश हैज गॉन टू द मार्केट। हैज का प्रयोग किया रहेगा, आपको करेक्ट करके लिखना होगा कि मोहन सोहन एंड रमेश हैव गॉन टू द मार्केट। इस रूल को याद रखेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, आप सेंटेंस को करेक्ट लिखेंगे एग्जाम में। अब अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, इसका एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का रूल सेकंड जो है वह लिखाऊंगा। इसे इतना ध्यान करिए आगे के लिए, फिर मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।